नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब सरकारी कर्मी मांग रहे घूस तो इस नंबर पर करे कॉल। आज से छठ स्पेशल ट्रेन के टिकटों की बुकिंग शुरू। नए टीचरों की पोस्टिंग को लेकर तैयार हुआ नियम। सूर्य कुमार यादव ने अपनाया एक अनोखा अवतार, पहचान नहीं सके लोग। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस के द्वारा बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों के तरफ से दायर रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा गया कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक विद्यालयों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। बता दें कि बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षक नियुक्ति के परिणाम पर रोक लगाने वाली याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने के बाद भी परिणाम जारी कर बीएड डिग्री धारकों के साथ अन्याय किया है। बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी भी प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति की मांग कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह साफ मना कर दिया गया है, जिसके बाद कोर्ट के इस आदेश से राज्य के 3.90 लाख बीएड पास अभ्यर्थियों को झटका लगा है। अब सरकारी कर्मी मांग रहे घूस तो इस नंबर पर करे कॉल। कई बार हमें यह खबर सुनने को मिलती है कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए सरकारी कर्मी के द्वारा आम लोगों से घूस की मांग की जाती है। ऐसे में इन पर लगाम कसने के लिए निगरानी विभाग के द्वारा खुद को सीधा पब्लिक से जोड़ने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर कॉल कर भ्रष्टाचार, घुसखोरी, आय से अधिक संपत्ति समेत किसी स्तर के लोक सेवकों के बारे में शिकायत कर सकते हैं। वही अगर शिकायत करने वाले व्यक्ति यह चाहेंगे कि उनकी पहचान गुप्त रखी जाए तो वो भी किया जाएगा। बता दें कि जो नंबर जारी किया गया है वह 0612221 5344 0612221 5043, मोबाइल 7765953261, कार्यालय पता निगरानी ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड पटना है। इसके अलावा आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति जमा करने वाले लोक सेवकों के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर कार्यालय 0612250653, मोबाइल नंबर 9431800122, पता विशेष इकाई 5 दरोगा रायपथ पटना 15 पर शिकायत की जाएगी। इसके अलावा तकनीकी मामलों एवं निर्माण संबंधी कार्यों की शिकायतों के लिए कार्यालय 0612225081, मोबाइल नंबर 8544419400, पता तकनीकी परीक्षक कोषांग ब्लॉक 2 मुख्य सचिवालय पटना 1 किया जाएगा। इसके साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य शिकायतों के लिए कार्यालय 0612221708, फैक्स 0612223274, मेल svccvd@nic.in, पता निगरानी विभाग सूचना भवन 4 मंजिल पर कर सकते हैं। प्याज के बाद आटा, दाल और चीनी की कीमतों में हुआ इजाफा। इन दिनों लोगों को प्याज की बढ़ती कीमतों से राहत भी नहीं मिली थी कि अब आटा, दाल और चीनी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। बता दें कि अब चीनी की कीमत 44 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 48 रुपए प्रति किलो हो गई है। वहीं खुदरा आटा की कीमत पहले जहां 34 रुपए प्रति किलो थी, वह अब बढ़कर 37 रुपए प्रति किलो हो गई है। इसके अलावा अगर दाल की कीमत की बात करें तो अरहर दाल की कीमत 160 रुपए से लेकर 170 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं चना दाल की कीमत में भी 5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। मालूम हो कि कारोबारियों के अनुसार आने वाले दिनों में इन सामानों की कीमत में और भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका मुख्य कारण उत्पादन कम होने को बताया जा रहा है। आज से छठ स्पेशल ट्रेन के टिकटों की बुकिंग शुरू। पूर्व रेलवे की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार आज से यानी कि बुधवार से भागलपुर होकर चलने वाली छठ स्पेशल ट्रेन में टिकट बुकिंग की शुरुआत हो चुकी है, जो कि ऑनलाइन होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ट्रेन में मेल एक्सप्रेस के अलावा विशेष शुल्क वसूला जाएगा और साथ ही किसी तरह की रियायती बुकिंग की सुविधा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा इसमें तत्काल कोटा भी उपलब्ध नहीं होगा। मालूम हो कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इस ट्रेन का परिचालन 20 नवम्बर से किया जाएगा, जो कि 28 नवम्बर तक जारी रहेगा। दोनों ओर से यह ट्रेन 2 फेरियां लगाएंगी। वहीं सबके अलावा रेल यात्रियों को सुविधा पहुंचाने के लिए भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में एक इकोनॉमी कोच लगाने का भी आग्रह किया गया है। आज से धान की खरीदारी शुरू। आज से यानी कि 1 नवंबर से बिहार के कई जिलों में धान की खरीदारी की शुरुआत हो गई है। ऐसे में अब तक करीब 4,856 किसानों के द्वारा ऑनलाइन निबंधन कराया गया है, जिनमें से रैयत किसानों की संख्या 1,691 और गैर रैयत किसान की संख्या 3,165 है। मालूम हो इस बार किसानों को प्रति क्विंटल 2,183 रुपए की दर से किसानों को भुगतान किया जाएगा। वहीं ए ग्रेड धान के लिए 2,203 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की ओर से धान बेचने वाले किसानों को 48 घंटे के अंदर राशि भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश सभी जिलाधिकारी को दिया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को यह भी दायित्व होगा कि अधिकतम 24 घंटे के अंदर किसान का सत्यापन हो जाए।
सीएम नीतीश ने 1400 करोड़ रुपए की बड़ी योजनाओं की दी सौगात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रीपेड मीटर लगाए जाने की योजना का शुभारंभ किया गया और इसी के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 1.12 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जाने के साथ ही मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधित योजना फेज 2 की शुरुआत हो गई है। जानकारी के मुताबिक साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में 4059.81 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का कार्यारंभ, शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही 12.53 करोड़ रुपए की लागत से कौवाकोल के पाली में पावर सब निर्माण का शिलान्यास किया गया है, जबकि 33.96 करोड़ रुपए की लागत से पटना के फुलवारी शरीफ के जगनपुरा और अगमकुआ, एकंगड़सराय के कोशियावा, सासाराम के दहियार और हरनौत के तेलमर में नवनिर्मित 5 पावर सब स्टेशन का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इसके अलावा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में 8550.04 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न योजनाओं का कार्यारंभ, जबकि 29 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं का उद्घाटन किया है। साथ ही 7.28 करोड़ से 2 प्रमंडलीय नियंत्रण कक्ष और 46.34 करोड़ रुपए की लागत से 5 पावर सब स्टेशन निर्माण की शुरुआत हुई। बिहार के 13 सीईओ बने जिला भू अर्जन पदाधिकारी और DCLR। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि राज्य के 5 सीओ को प्रोन्नति देकर वेतन स्तर 12 में भू अर्जन पदाधिकारी बनाया गया है, तो वहीं 8 सीओ को भूमि सुधार उपसंहर्ता में प्रोन्नति दी गई है। बता दें कि जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार जिन 5 सीओ को भू अर्जन पदाधिकारी बनाया गया है उसमें प्रमोद कुमार रंजन, अरविंद प्रसाद सिंह, राजीव प्रकाश राय, इंदु भूषण श्रीवास्तव और कुमार कुंदन लाल के नाम शामिल है। वहीं जिन 8 सीओ को भूमि सुधार उपसंहर्ता में प्रोन्नति दी गई है उनमें अमरेंद्र कुमार, आदित्य कुमार सिंह, राजीव रंजन चक्रवर्ती, अजीत कुमार झा, प्रेम कुमार, अजीत कुमार, संतोष कुमार, सुमन और कौशल इमाम के नाम शामिल हैं। त्योहारी मौसम में रेल ट्रैक को लेकर रेलवे ने जारी की नई एडवाइजरी। देश में त्योहारी मौसम की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में सभी लोग अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। ऐसे में यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसको लेकर रेलवे की ओर से कई जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया गया है और साथ ही कई ट्रेनों के फेरों को भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि रेल ट्रैक पर भार पड़ने वाला है। वहीं अब इसको देखते हुए रेलवे बोर्ड के द्वारा रेल ट्रैक को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत कहा गया है कि संरक्षा रेलवे की पहली प्राथमिकता है। ऐसे में जिम्मेदार अफसर और कर्मी रेलवे पटरियों और रेल उपकरणों की सतत निगरानी सुनिश्चित करें। संरक्षा में कोताही किसी स्तर पर किसी हाल में मंजूर नहीं है। जारी के समय में कोहरे के दौरान पटरियों के विशेष रात्रि कालीन निरीक्षण पर भी जोर है। बता दें कि कर्मियों को मानव के तहत संसाधन उपलब्ध कराने का उच्च स्तरीय निर्देश दिया गया है। नए टीचरों की पोस्टिंग को लेकर तैयार हुआ नियम। BPSC से चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो चुके हैं। ऐसे में अब सॉफ्टवेयर की मदद से नवनियुक्त शिक्षकों को वैसे स्कूलों में पोस्टिंग दी जाएगी जहां कक्षा के अनुपात में बहुत कम या न के बराबर शिक्षक है। बता दें कि नए चयनित शिक्षकों को पहले ग्रामीण इलाकों में आवंटित किए जाएंगे। दरअसल विभाग का मानना है कि जिन स्कूलों में सबसे अधिक रिक्तियां हैं वहां शिक्षकों की नियुक्ति पहले की जाएगी। ऐसे में सबसे अधिक रिक्तियां ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज गांव पंचायतों के स्कूलों में है। ऐसे में शिक्षकों की नियुक्ति भी पहले इन्हीं स्थानों पर होगी। वहीं शहरी क्षेत्र के स्कूल को फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया से अलग रखने की तैयारी है। बढ़ती ठंड को लेकर पटना जू का बदला समय। राज्य में धीरे धीरे मौसम में बदलाव होने लगा है। ऐसे में इसको देखते हुए चिड़ियाघरों और पार्कों में विजिटर्स के आने जाने के समय में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि फरवरी तक बिहार की राजधानी पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान के खुलने के समय को बदलकर सुबह 5 बजे के बदले सुबह 6 बजे निर्धारित किया गया है। वहीं बंद होने के समय में बदलाव करते हुए 6 बजे के बदले शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं सभी पार्क सुबह 5 के बदले 5:30 बजे से शाम 8 बजे के बदले 7:30 बजे तक खुले रहेंगे। इस बारे में पटना जू के निदेशक सत्यजीत कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि हर साल ठंड के मौसम में जू के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया जाता है। वहीं ठंड के दौरान जू में दर्शकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो जाती है। मालूम हो कि ठंड के दौरान जानवरों के खान पान पर विशेष ध्यान रखा जाता है। बिहार में अपडेट से भी की जाएगी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति। राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए अब बिहार सरकार नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह से बिट यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करवाएगी। ऐसे में इसके लिए विषयवार सिलेबस भी तैयार किए जाएंगे। बता दें कि सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए यह व्यवस्था करने वाला बिहार पहला राज्य होगा। इस संदर्भ में बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद के द्वारा प्रोसीडिंग को औपचारिक मंजूरी देते हुए इसका प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजा गया है। ऐसे में इससे जुड़ी अब आगे की कार्यवाही शिक्षा विभाग को करनी है। हालांकि इस मामले में कैबिनेट की मंजूरी मिलनी अभी बाकी है, पर इन सभी से पहले बनाए गए सिलेबस पर UGC की भी अनुमति लेनी होगी। नीतीश तेजस्वी पर रामभद्राचार्य का बयान।
चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के द्वारा बीते दिन पश्चिम चंपारण के बघा में रामकथा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की गई। उन्होंने दोनों को नसीहत देते हुए कहा कि जाति के आधार पर वोट नहीं मिलने वाला है, जो राम और कृष्ण की बात करेगा वही राज करेगा। उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि न लोगों को कौन समझाए कि हिंदुओं को जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए, यह नीति कभी सफल नहीं होगी, इसके आधार पर वोट नहीं मिलेगा, अब तो काम करने वालों को ही वोट मिलेगा। बता दें कि स्वामी रामभद्राचार्य का यह बयान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में धांधली पर सीएम नीतीश की सफाई। आज यानी कि बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में हुए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में धांधली होने के विपक्ष के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा गया कि जब तक वो लोग हमारे साथ थे तब तक ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। अब बिहार में इतने बड़े स्तर पर नौकरी दी गई है तो सबके ऊपर से बेबुनियादी बातें बोलने के लिए कहा गया है, यही कारण है कि ये लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज इतने अच्छे से काम हो रहा, पहले जब बीजेपी हमारे साथ थी तो कुछ नहीं बोलती थी और अब ऐसी बातें बोल रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल यानी कि 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। 2 नवंबर को शिक्षक अभ्यर्थी से मुलाकात करेंगे जीतन राम मांझी। एक तरफ जहां कल यानी कि 2 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, तो वहीं अब दूसरी ओर कल ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी के द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों से मुलाकात की जाएगी और शिक्षक नियुक्ति में घोटाला पर चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। बता दें कि यह मुलाकात जीतन राम मांझी अपने सरकारी आवास पर करने वाले हैं। इस बारे में जीतन राम मांझी के द्वारा एक्स पर, जो कि पूर्व में ट्विटर हुआ करता था, उस पर ट्वीट कर लिखा गया है कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के विरोध में 2 नवंबर 2023 को सुबह 11:30 बजे मेरे आवास 12M स्टैंड रोड पटना में बिहारी शिक्षक अभ्यर्थी अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां हम सब मिलकर शिक्षक नियुक्ति घोटाले पर सुनवाई करेंगे। जय बिहार, जय जय बिहार। सूर्य कुमार यादव ने अपनाया एक अनोखा अवतार, पहचान नहीं सके लोग। बीसीसीआई की ओर से भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें वो बिल्कुल अलग अवतार में नजर आ रहे हैं, जिससे कि उन्हें मुंबई की आम पब्लिक के साथ साथ रविंद्र जडेजा भी नहीं पहचान पाए। बता दें कि इस वीडियो में सूर्य कुमार यादव भारतीय बल्लेबाज कैमरामैन बनकर आम जनता से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सूर्य कहते हैं कि मैंने फुल शर्ट इसलिए पहनी है ताकि मेरे टैटू नजर न आए। उन्होंने इस दौरान सफेद रंग का मास्क भी लगा रखा है और काले रंग का सनग्लास पहना और काली कैप पहन रखी है। वीडियो में नजर आ रहा कि सूर्य मन पॉइंट पर जाकर आम जनता से बातचीत करते हैं। सूर्या ने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और वो लोगों से पूछ रहे हैं कि आपका मुंबई का फेवरेट क्रिकेटर कौन है। आम जनता उनको बड़े तसल्ली से जवाब भी दे रही है। सूर्या ने अपनी बल्लेबाजी के बारे में भी फैंस से सवाल किया और उन्हें बड़े अच्छे जवाब मिले। अब बढ़ते हैं आज के 5 सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, बढ़ती ठंड को लेकर पटना जू के खुलने के समय को बदलकर नया समय क्या निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए सुबह 5 बजे, ऑप्शन बी सुबह 6 बजे, ऑप्शन सी सुबह 5:30 बजे, ऑप्शन डी सुबह 7:30 बजे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुबह 6 बजे। अगला सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किस योजना का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए प्रीपेड मीटर, ऑप्शन बी इथेनॉल प्लांट, ऑप्शन सी पावर सब स्टेशन, ऑप्शन डी कृषि विद्युत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रीपेड मीटर। अगला सवाल, धान बेचने वाले किसानों को कितने घंटे के अंदर राशि भुगतान किया जाएगा? ऑप्शन ए 48 घंटे, ऑप्शन बी 24 घंटे, ऑप्शन सी 12 घंटे, ऑप्शन डी 50 घंटे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 48 घंटे। अगला सवाल, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बनाए जाने वाले सिलेबस पर किसकी अनुमति लेनी अनिवार्य है? ऑप्शन ए कैबिनेट, ऑप्शन बी शिक्षा विभाग, ऑप्शन सी यूजीसी, ऑप्शन डी बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूजीसी। अगला सवाल, बिहार के कितने अंचलाधिकारी को भूमि सुधार उपसमाहर्ता बनाया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गुड़िया कुमारी मौर्य, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद फहीम, धनंजय कुमार, रनु गोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, नौसद अंसारी, सुनीता गुप्ता, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद अफजल मंसूरी, सोहराब आलम, जितेंद्र ठाकुर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
विश्व कप 2023 में खेले जा रहे भारतीय टीम में आपके पसंदीदा बल्लेबाज कौन है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।